हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड एग्ज़ाम की एक अपडेट देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्या बीएड के जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, क्या उनको पोस्टपोन किया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, सेंट्रल लिस्ट कब आएगी। तो बहुत सारे सवाल आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम थे 18 तारीख से स्टार्ट होने हैं, यानी कि कल से आपके जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने हैं। बच्चों के मैसेज कॉमन है, सिर्फ 3-4 सवाल ही हैं। पहला ये है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, दूसरा ये है कि एग्ज़ाम के टाले जाएंगे, तीसरा ये है कि सेंट्रल लिस्ट कब जारी होगी। तो अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि आप किसी भी, पहले तो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप किसी भी बच्चे किसी के भी बहकावे में नहीं आए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किया जाएगा। हम पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, चाहे आपके बीए के एग्ज़ाम हो गए, चाहे बीएससी के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो गए, चाहे ईयर वाइज एग्ज़ाम हो गए, उन्होंने अपने एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट सिर्फ एक दिन पहले ही जारी की है। आज पूरा दिन बचा है यूनिवर्सिटी के पास, वो आज में भी जारी कर देंगे, ठीक है। और एक अपडेट निकल के आई कि एक बच्चे ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, उन्होंने अपने कॉलेज के एक टीचर के द्वारा किए गए मैसेज को उन्होंने मुझे भेजा है। पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। लिखा है कि प्रवेश पत्र आ गए हैं, एग्ज़ाम 18 तारीख से चालू होंगे। आप लोगों का सेंटर श्री चित्रगुप्त महाविद्यालय मैनपुरी में है, जो कि नगला जुला रेलवे क्रॉसिंग के पास है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे एडमिट कार्ड की भी एक स्क्रीनशॉट भेज रखी है, ठीक है। तो मैंने जब इस बच्चे से बात करी, इन्होंने मुझे बताया कि भैया हमारे जो एग्ज़ाम है वो 18 से ही स्टार्ट होंगे, कोई भी पोस्टपोन होने की खबर तो नहीं है। और ये मानता हूँ मैं कि उन्होंने ऑफिशियली एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट जारी नहीं किए हैं, लेकिन एडमिट कार्ड उन्होंने कॉलेज को भेज दिए गए हैं आपकी यूनिवर्सिटी ने। आप अपने कॉलेज में जाके एक बार प्लीज़ कंफर्म कर लीजिए। आज हर हालत में आपका एडमिट कार्ड आपके कॉलेज में आ चुका है, आप अपना एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिट कार्ड पर सेंटर के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। हो सकता है कोई ग्लिच के कारण वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख से ही स्टार्ट है, एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं ना ही होंगे। आपका एग्ज़ाम कल से ही स्टार्ट है, आप अपने एडमिट कार्ड और सेंट्रल लिस्ट अपने कॉलेज से जाके प्राप्त कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप सभी छात्र छात्रा अपने कॉलेज जाइए, बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एडमिट कार्ड प्राप्त करिए, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।